इस वीडियो में हम लोग अगस्त करंट अफेयर्स को कवर करेंगे पहला है उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट तो हैज प्लान टू डेवलप अ मोदी सर्किट कनेक्टिंग द प्लेसेस विजिटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन द कॉबे टाइगर रिजर्व सो कॉबे टाइगर रिजर्व कहाँ पे उत्तराखंड में तो जहाँ जहाँ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइगर रिजर्व में विजिट किए हैं उन प्लेसेस को कनेक्ट करके एक मोदी सर्किट डेवलप किया जाएगा नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पे चंदौली यूपी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दैन नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने लॉन्च किया है रेडियो जय घोष एट संगीत नाटक अकैडमी ऑन विच ओकेजन काकोरी ट्रेन एक्शन डे एंड ये एक्चुअली ये रेडियो जय घोष है क्या इट्स अ डेली प्रोग्राम जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाएगा कि यूपी के स्टेट का कल्चर क्या है एंड हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है मीन्स कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ द यू पी इन ऑल द सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट सो यूपी यूपी ने लॉन्च किया है ये रेडियो जयघोष टू मेक द पीपल ऑफ़ द स्टेट अवेयर अबाउट द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द स्टेट द नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कॉन्टीन्यूज टू बी इन अ टॉप पोजिशन इन द नेचर इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो नेचर इंडेक्स रिलीज हुआ था एक रैंकिंग रिलीज हुई थी उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फिर से टॉप पोजिशन पे है इट्स बेसिकली द इंडिकेटर इट इंडिकेट्स दी हाई क्वालिटी रिसर्च इन द नेचुरल एंड द फिजिकल साइंसिस नेक्स्ट द गोल्डन ज्वाइंट ऑफ द चेनाब रेल रेल वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज विच इज़ लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ बीन इनोग्रेटेड सो ये वर्ल्ड का हाईस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है जो चेनाब रेलवे ब्रिज है इट्स द वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है इट इज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड इट इज़ थ्री फिफ्टी नाइन मीटर्स हाई सो बस ये पता होना चाहिए कि चेनाब रेलवे ब्रिज किधर है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ अभी इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो हुआ था मीन्स इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स सॉरी सॉरी इट विल बी ऑर्गेनाइज मीन्स इस साल ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में इन दी कोलकाता एंड बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन सी फूड प्रोडक्ट्स तो ये इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ऑर्गेनाइज करा जाएगा इस साल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में कोलकाता में और इसका बेसिक एम यही है कि हम अपने इंडियन सी फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें अभी बी ने एक अनाउंस करा है स्टील स्लैग रोड का कंस्ट्रक्शन कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंड बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अनहिंडर्ड मूवमेंट प्रोवाइड कर सकें अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि वहाँ पे हैवी रेन्स होती हैं तो जिससे रोड वगैरह ज़्यादा ख़राब हो जाती है uh, और इससे पहले एक एक फैक्ट यहाँ पे मुझे याद आया कि जो इंडिया का पहला स्टील स्लैग रोड है वो गुजरात में बना था एंड बेसिकली ये स्टील स्लैग रोड से हम लोग वेस्ट टू वेल्थ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ वेस्ट टू वेल्थ हम लोग काम कर रहे हैं और इसे ये जो हम लोग स्टील स्लैग का यूज़ कर रहे हैं रोड के कंस्ट्रक्शन में इससे रोड की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी सो so, बी ने डिसाइड करा है स्टील स्लैग रोड का कहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश देन नेक्स्ट है झारखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट द सीड टू द फार्मर्स यूजिंग द ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में ऑफिशियल वे से अलाउड नहीं है अभी तक सो ये झारखंड ने फर्स्ट एड टू डिस्ट्रीब्यूट द सीड्स टू द फार्मर्स थ्रू द ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी मीन्स फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेक्टर में ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी अभी तक अलाउड नहीं है लेकिन ये झारखंड ने ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सी क्योंकि ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी इज़ अ इनोवेटिव फीचर काफ़ी अच्छा है ये सो इट इज़ टू सो झारखंड है डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द सीड्स यूजिंग दिस ब्लॉक टैन टेक्नोलॉजी मीन्स इट हैज़ डन दिस यूजिंग दिस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एंड इन दिस टेक्नीक फार्मर्स कैन ट्रैक एंड टेस्ट दियर सीड्स बेसिकली इसका एम यही है कि फार्मर्स के पास गुड क्वालिटी सीड्स जाएँ ना प्रोजेक्ट जोरावर इट इज़ स्टार्टड बाई इंडियन आर्मी इसका पर्पज़ ये है कि जो ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन है ना वहाँ पर डेंजर एरियाज है ईस्टर्न लद्दाख में तो वहाँ पर लाइट टैंक्स को पहले तो हम प्रोजेक्ट जोरावर के अंदर लाइट टैंक को बिल्ड कर रहे हैं उसके बाद उसको डिप्लॉय करेंगे ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में

हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्कोज इन टेंजिबल कल्चरल हैरिटेज लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ अनाउंसड कि वो दिव्यांग पार्क नागपुर में सेटअप करेंगे एंड ये पार्क uh, ये जो पार्क है इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए दिव्यांगजन के लिए देन द इलेवेंथ नेशनल सीड कांग्रेस इट वॉज हेल्ड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश इट वॉज बेसिकली अपडर दिस एक पॉिसी वॉज फॉर्मुलेटेड फॉर इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस पल्सज एंड ऑयल सीड क्रॉप्स तो बस मेन ये याद रखना है कि जो इलेवंथ नेशनल सीड कांग्रेस हुआ था वो कहाँ हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश नार्थ ईस्ट इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर ओपन हुआ है गुहाहाटी असम बेसिकली द एम इज़ टू मेक इंडिया द बेस्ट इन द ड्रोन टेक्नोलॉजी सो बस ये याद रखना है नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी असम द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू लॉन्च दिस मंथन प्लेटफॉर्म विद द व्यू ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल इम्पैक्ट इनोवेशन एंड सोल्यूशंस इन इंडिया दे नेक्स्ट है हमारे पास द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर फिशरीज एनिमल हजबेंड्री पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर विच इज एक्वा बाजार ये ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस है एक्वा बाजार

अभी तक तो हम लोग आई वगैरह पढ़ रहे थे अब ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज आई गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बेसिकली इसमें यही एम है कि साथ में एडुकेशन तो प्रोवाइड होगा ही बट द एफर्ट्स विल ऑल्सो बी मेड टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया सो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है अलॉन्ग विद द एडुकेशन एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज कहाँ पे आ रहा है ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा

यह है टू जी इथेनॉल प्लांट एट पानीपत हरियाणा देन द ट्वेंटी सेकेंड भारत रंग महोत्सव इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई सो भारत रंग महोत्सव कहाँ पे हुआ था ये मुंबई में हुआ था विच वाज इनोग्रेटेड बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोशियारी एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंटर से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड महाराष्ट्र कला महाराष्ट्र कला अकेडमी इसके अंदर होगा क्या कि फ्रीडम फाइटर्स ने जो सेक्रीफाइस करा है उनके बेस उनके एफर्ट्स के बेस पे एक प्ले बनाया जाए प्ले परफॉर्म किया जाएगा सो बेसिकली इट्स अ प्ले बेस्ड ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स अंडर दिस इट वॉज परफॉर्म्ड सो दिस भारत रंगमा महोत्सव इन द मुंबई द नेक्स्ट इज युवा संवाद युवा संवाद इंडिया एट द रेट टू थाउजेंड फोर्टी सेवन हुआ था ये न्यू डेली में हुआ था हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान एडुकेशन मिनिस्टर एंड दी अनुराग ठाकुर इट वाज इनागरेटेड बाय देम दिस युवा संवाद इन न्यू दिल्ली वाज इनागरेट बाय दीज टू मिनिस्टर्स एंड इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ कि यूथ को प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने विचार को नेशनल लेवल एज़ वेल एज सॉरी अपने विचार नेशनल इशूज़ एंड इंटरनेशनल इशूज़ पे व्यक्त कर सके सो दैट दे कैन एक्सप्रेस दियर व्यूज़ ऑन नेशनल एज वेल एज़ इंटरनेशनल इशूज़ देन ऑन द ओकेजन ऑफ सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस रामसर साइट कितनी हो गई है सेवेंटी फाइव हो गई है हाइस्ट है तमिलनाडु एंड सेकेंड हाइएस्ट है यूपी टेन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अनाउंस करा है कि वो अपने स्टेट के जितने भी प्लेयर्स हैं सबको टू परसेंट रिजर्वेशन देगा इन ऑल द डिपार्टमेंट्स सो इट इज दवमेंट ऑफ कर्नाटका ऐसा राजस्थान में भी है राजस्थान में भी स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ रिजर्वेशन मिल रहा है इन द गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द ओकेजन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के पांच प्रण दिए थे वो क्या है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया यूनिटी अमंग वर्कर्स। बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज। सेंस ऑफ ड्यूटी द अमंगजन पुट अवे दलोनियल माइंड सेट नेक्स्ट आफ्टर अचीविंग हंड्रेड परसेंट हर घर जल सर्टिफिकेशन हर घर जल उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज इन गोवा अब ये देखो यहाँ पे जैसे ही गोवा में हर घर जल सर्टिफिकेशन का हंड्रेड परसेंट अचीव हो गया स्टेट में गोवा में उन्होंने सेलिब्रेट किया था हर घर जल उत्सव जो कि पीएम मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया था सेवनटींथ प्रवासी भारतीय दिवस किसने ऑर्गेनाइज करा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जनवरी में और ये हम लोग 2003 से सेलिब्रेट कर रहे हैं नाइन्थ ऑफ जनवरी को पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अब उसको रीनेम करके हम लोग शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट मतलब अब बोलेंगे इसे शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील्ड इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस इन मुंबई सो इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर एसी बस कहाँ पे आया है मुंबई में और उसका नाम क्या है स्विच ई आई वी टू इंडिया का फर्स्ट ओके okay? यूपी गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी है सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड यू हैज सेट अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग 16,000 थाउजेंड ऑफ़ रीनुएबल एनर्जी इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स बाय 2026-27 ट्वेंटी 2026-27 तक यूपी ने अपना टारगेट कराया कि 16,000 थाउजेंड ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी वो इस मीस सोलर एनर्जी वो जनरेट करेंगे

पीएम नरेंद्र मोदी इनागरेटेड दिस होमी अब ये पता होना चाहिए कहाँ पे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पंजाब में है एंड ये बनाया किसने है टाटा मेमोरियल सेंटर ने एंड पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद हरियाणा में इनागरेट किया था देन नेक्स्ट इंडिया का पहला प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में एंड वो कौन बना रहा है लार्सन एंड टर्बो इन कोलाबोरेशन विद आई आई मद्रास मद्रास के साथ मिलकर एल एन टी एंड आई आई टी मद्रास सो ये दोनों मिलकर ये थ्री डी प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बना रहे हैं देन पी एम नरेंद्र मोदी ने इनागरेट किया है इंडिया का पहला मेमोरियल फॉरेस्ट एंड अर्थक्वेक मेमोरियल इन भुज गुजरात दो हजार एक में एक भुज अर्थक्वेक आया था तो इस मेमोरियल में उन जो भी पीपल थे जिन्होंने अपनी लाइफ को मीन्स अपनी लाइफ को खो दिया था उन सब के नाम यहाँ पे लिखे रहेंगे गवर्नमेंट रिलीज अल कोटिव पोस्टेज स्टैंप टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगली वैंकिया पेंगली वैंकिया है इंडियन नेशनल फ्लैग एंड इट वॉज रिल दिस फ्लैग वॉज रिलीज बाई नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द तिरंगा उत्सव जो कि कहाँ सेलिब्रेट हुआ था न्यू डेली में ये थोड़ी फेक न्यूज है सो so हम इसे नहीं पढ़ेंगे देन नेक्स्ट

इंडिया फर्स्ट सलाइन वाटर एलईडी रोशनी हियर सी वॉटर विल बी बेसिक सी वॉटर विल बी यूज टू प्रोड्यूस द लाइट और टू लाइट दिस लैंड टर्न तो ये फिशरमैन या फिर पुअर लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा देन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस करा है कि ये जो दही हांडी फेस्टिवल है वहां का उसको एक एडवेंचर स्पोर्ट स्टेटस देंगे अलॉन्ग विथ दिस जो भी उसमें गोविंद पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको जॉब दिया जाएगा टू को मेमोरेट द सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे स्टार्टेड द ऑपरेशन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन सुपर वासुकी तो पहले तो कुछ फीचर्स देख ले सुपर वासुकी के सुपर वासुकी इज इट्स द लॉन्गेस्ट ट्रेन ओके लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन और इसे कौन मीन्स uh, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे और ये ट्रेन की लेंथ कितनी है थ्री पॉइंट फाइव मीटर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू नाइंटी फाइव वैगन मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एम पी हेज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो भी ट्राइबल पीपल दे आर एबल टू रीड एंड राइट दे आर लिटरेट देन नेक्स्ट इंडिया का पहला एडुकेशन टाउनशिप विल बी डेवलप इन यूपी

अनंग ताल विच इज नियर कुतुब मीनार इन डेली एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सो कुतुब मीनार के पास एक अनंग ताल है उसको डिक्लेयर किया है यूनियन गवर्नमेंट ने एज अ मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है ये टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम कहाँ पे बन रहा है नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल एंड इट विल दिस टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम एक्ट एज अ हेड क्वार्टर ऑफ द इसकॉन जिसका का कंस्ट्रक्शन दिस विल सर्व हेडक्वार्टर ऑफ इसकॉन जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक कंप्लीट हो जाएगा मोदी ने इनोग्रेट अहमदाबाद सो अटल ब्रिज so, कहाँ पे है अहमदाबाद में है। कौन से रिवर पे है साबरमती रिवर दिस ब्रिज इज थ्री हंड्रेड मीटर्स लॉन्ग एंड फोर्टीन मीटर्स वाइड नेक्स्ट है Uh, Union Minister of Shipping, Sarbananda Sonowal and Minister of State for Shipping, Shripad Naik, they have inaugurated Chabar Devas Conference, Bas ki Divas Conference was Mumbai, recently Kerala has become the first state in the country to start this online e-taxi service, Ab केरला के बारे में काफ़ी कुछ है लाइक केरला पहला स्टेट है जिसने ओ टी प्लेटफॉर्म दिया था केरला ने खुद का केरला फाइबर ऑप्टिक केबल लॉन्च करा था अब नाउ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू स्टार्ट द ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस इसका एम है टू इंश्योर द सेफ ट्रैवल फॉर द पीपल एट अफोर्डेबल रेट्स इंडिया का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन हिमालयन स्पाइस गार्डन हैज बिन स्टैब्लिश्ड इन रानी उत्तराखंड द पार्क विल हाउस डिफरेंट स्पीशीज सॉरी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्पाइसिस के डिफरेंट स्पीशीज होंगे इस पार्क में विच आर फाउंड इन द हिमालज नाउ सैंड आर्ट पार्क कहाँ पे आया हैजीन इन पुष्कर राजस्थान सैंड आर्ट पार्क इन दुष्कर राजस्थान डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट इफेक्ट्स विल बी मेड फ्रॉम दिस सैंड एंड जिसकी वजह से टूरिस्ट काफ़ी टूरिस्ट आएंगे एंड फिर स्टेट का इकनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगा एंड इट विल बूस्ट टूरिज्म इट्स इसके जो सैंड आर्टिस्ट हैं वो कौन है अजय रावत नाउ जो एलोरा केव्स है पहले तो एलोरा केव्स कहाँ पे है औरंगाबाद महाराष्ट्र इट इज़ द फर्स्ट हेरिटेज साइट जहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी है अब लोगों को स्टेयर से चढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है uh, वो इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करके जा सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैज़ लॉन्च अ स्कीम लिंकिंग टेक्सटाइल विद अ टूरिज्म Villages have been under this villages have been identified as a craft villages and the last one is Ministry of Women and Child Development has approved this Saksham Anganwadi and portion 2.0 scheme for 2025-26 so Ministry of Women and Child Development ka ye scheme hai, Saksham Anganwadi and portion 2.0 scheme Basically aim yahi hai to make the pregnant women children etc free from the malnutrition Okay now we are done with this August current affairs. Thank you.